अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है अहमद शेख और आप देख रहे हैं दी गेमर गाय। और मेरा नाम है अहमद शेख और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। अब से मैं सिर्फ व्लॉग्स बनाया करूँगा और गेम्स की भी वीडियो बना के और बहुत सारी चीज़ों की अनबॉक्सिंग भी किया करूँगा। और ये मेरा चैनल है, अब से मैं डेली जो है वो व्लॉग्स बनाया करूँगा और आपके साथ मैं जुड़ा रहूँगा। ठीक है, तो बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको कुछ टिप्स दूंगा व्लॉग बनाने के बारे में। तो जो टिप्स जो हैं वो होती हैं, फर्स्ट जो है वो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको महंगे वाला कैमरा चाहिए या फिर आपको एडिटिंग अच्छी आनी चाहिए। इसका कुछ भी व्लॉग से ताल्लुक नहीं है, वो बात की बात होती है। जो फर्स्ट बात है वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस का होना चाहिए टॉक करने का, बात करने का। क्योंकि अगर आपके अंदर बात करने का कॉन्फिडेंस है तो फिर आप व्लॉग्स बना सकते हैं, फिर वरना का नहीं है तो फिर आप डर डर के बनाएंगे, खुल के बनाएं, खुल बोलें। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये होगा। तो दोस्तों, सेकंड थिंग ये है कि अगर आप व्लॉग किसी को देखा देखी बना रहे हैं कि जैसे मेरा दोस्त बनाते तो मैं भी बना लूँ, मुझे पैसे मिलेंगे, तो फिर व्लॉग ना बनाए, फिर व्लॉग बनाने का फ़ायदा नहीं है। अगर आप व्लॉग इसलिए बना रहे हैं कि आप बता सकते हैं कि आपके अंदर कोई चीज़ छुपी है या फिर आप उसको बताना चाहते हैं कि मैं आप उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप व्लॉग्स बना सकते हो, तो फिर आप व्लॉग बनाएं, ज़रूर आओ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़। तो दोस्तों, तीसरी चीज़ ये होती है कि आप व्लॉगिंग करने से पहले ही यूट्यूब पर अकाउंट बनाने से पहले ही कैमरे खरीद लेते हैं, महंगे से महंगे कैमरे खरीद लेते हैं आप, एडिटिंग करते हैं, सब कुछ खरीद लेते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जब आप व्लॉग बनाते हैं उसके बाद आप जब डालते हैं इतने इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो आपको कोई रिस्पांस नहीं होता है, आपके सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ते हैं। तो वो वजह ये होती है कि आप पहले से इतना इन्वेस्ट नहीं करें। आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, 1500-2000 रुपये इन्वेस्ट कर लें, जैसे ट्राईपॉड ले लें आप, थोड़ा स्टैंड ले लें, या फिर अगर बात आप बहुत दे लें तो आपका कोई छोटा कैमरा ले लें। लेकिन ज़्यादा बहुत इन्वेस्ट नहीं करें, लोग 2-3 लाख रुपये का कैमरा ले लेते हैं व्लॉग बनाने के लिए। तो इस तरह ना करें, पहले मैं मोबाइल से व्लॉग बनाता हूँ। आपको पता है, जब अगर आप छोटा सा कैमरा लेंगे, अगर आपको उसमें भी अच्छा रिस्पांस आ रहा है ना, फिर आप उसके बाद कैमरा ले लें, कैमरा लेने के बाद फिर आप इस तरह से करें। ऐसा नहीं है आप गए, आप 2-3 लाख रुपये का कैमरा लेके आ गए, आपने व्लॉग बनाया और आपको रिस्पॉन्स गिरा, फिर फ़ायदा ही नहीं होगा। तो ये बात होती है। तो इसी वजह से मैंने आपको बोला कि ज़्यादा इन्वेस्ट करो, थोड़ा इन्वेस्ट करें, अगर आपको थोड़े इन्वेस्ट में भी से बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स आएगा, और अगर आपको बहुत अच्छा रिस्पांस आया तो फिर उसके बाद आप व्लॉगिंग शुरू कर देगा, और इसी तरह फिर आप व्लॉगिंग करते करते फिर आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा, तो फिर आप जाके बहुत बड़े बड़े कैमरे ले सकते। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको बहुत फ़ायदा देती हैं। अगर आप बनाओ, आप यूट्यूब पर चैनल बनाओ, उस पर आप अनबॉक्सिंग करो हर चीज़ों की, तो इससे भी आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और आपका चैनल चल सकता है। और छोटी सारी चीज़ें सिर्फ यही नहीं रह गई कि आपने डेली लाइफ शेयर कर दी ब्लॉग में और आपके व्यूज़ आ गए, इस तरह से व्यूज़ नहीं आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, मैं आपको अपने घर का बाहर का कुछ व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है मेरे घर का बाहर का कुछ व्यू, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से दिखते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरे घर के बाहर का व्यू। ठीक है, और मैं इसी तरह आपके पास कभी कभी जो है वो बाहर बैठ के भी, कभी कभी मैं आपके पास बाहर बैठ के भी जो है वो व्लॉग्स बनाया करूँगा और आपको बताया करूँगा कि व्लॉग्स की टिप्स दिया करूँगा आपको और अपनी डेली लाइफ शेयर करूँगा। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिए।